नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। सीईएस 2024 में रैबिट नाम की कंपनी ने एक अनोखा डिवाइस शोकेस किया है। इस पॉकेट साइज गैजेट का नाम रैबिट R1 है और ये तेजी से फेमस भी हो गया है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेल शुरू होते ही इसे खरीदने के लिए मारामारी शुरू हो गई। सेल के पहले ही दिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इस गैजेट को आपके लिए आपके एप्स चलाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे स्मार्टफोन का विकल्प भी कहा जा रहा है। ये डिवाइस आपके बोलने भर से सारे काम करता है। ये आपके लिए कॉल करने, किराने का सामान खरीदने, मैसेज करने और कैब बुक करने जैसे काम कर सकता है। रैबिट R1 एक फोन की तरह है, लेकिन डिवाइस के साथ आपका मेन इंटरेक्शन इसकी छोटी स्क्रीन के जरिए नहीं बल्कि वॉइस कमांड के माध्यम से होता है। वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट के लिए डिवाइस में एक डेडिकेटेड स्क्विशी बटन मिलता है। रैबिट R1 में रैबिट OS पर चलने वाली एक छोटी 2.88 इंच की टच स्क्रीन है। ये एक लार्ज एक्शन मॉडल का इस्तेमाल करता है जो एप्स के लिए एक यूनिवर्सल कंट्रोलर के रूप में काम करता है। इसमें USB-C कनेक्टिविटी, एक सिम स्लॉट और पूरे दिन की बैटरी लाइफ मिलती है। डिवाइस में एक घूमने वाला कैमरा भी है जो आपको तस्वीरें खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका देता है। ये डिवाइस आपके बोलने भर से कई काम कर सकता है और इसके लिए आपको अलग अलग एप्स पर जाने और लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको एक रिक्वेस्ट करना है और बाकी काम डिवाइस कर लेगा। रैबिट R1 आपके हाथ की हथेली में फिट हो सकता है और एक बटन दबाकर सवालों के जवाब देने, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट लॉन्च करने या टैक्सी बुलाने का काम भी कर सकता है। अब बात करते हैं एआई से जुड़ी एक अनोखी स्टडी की। ऐसा माना जाता है कि किसी एक शख्स का हाथ पूरी तरह अलग होता है, लेकिन अब इस धारणा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से चुनौती मिली है। अमेरिकी विश्वविद्यालय की एक टीम ने 60,000 उंगलियों के निशान की जांच करने के लिए एक एआई टूल को ट्रेनिंग दी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन से फिंगरप्रिंट एक ही शख्स के हैं। रिसर्चर्स का दावा है कि तकनीक 75-90% सटीकता के साथ ये पहचान सकती है कि अलग अलग उंगलियों के निशान एक ही व्यक्ति के हैं या नहीं। अध्ययन की निगरानी करने वाले कोलंबिया विश्वविद्यालय के रोबोटिस्ट प्रोफेसर होड लिप्सन ने माना है कि हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि एआई ये कैसे करता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय की टीम इस मामले को लेकर अभी और अधिक शोध करेगी। वक्त के साथ हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अब नई खबर बॉलीवुड की दुनिया से आई है। दिल्ली की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Kamoto.ai ने अपनी एडवांस्ड जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी के जरिए रेवेन्यू जेनरेशन की शुरुआत की है। कंपनी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ पार्टनरशिप की है और इस स्टार्टअप के जरिए वो भारत की पहली शख्सियत बन गई है जिनका ऑफिशियल एआई रेप्लिका बनाया गया है। इस एआई रेप्लिका को हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया। लॉन्च इवेंट में Kamoto.ai के co-founders तोशेंद्र शर्मा और रोहेंद्र सिंह, सनी लियोनी और कई इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद थे। सनी लियोनी अपने ऑफिशियल एआई रेप्लिका को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इसे एक तरह की नई शुरुआत बताया। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए सनी लियोनी के एआई रेप्लिका को उनकी आवाज और पर्सनल डेटा के जरिए ट्रेन किया गया है। कंपनी का कहना है कि लोग अब Kamoto.ai के एआई कैरेक्टर मार्केटप्लेस के जरिए चैट या वॉयस कॉल पर बातचीत कर सकते हैं। अभी तक आपने गणतंत्र दिवस की परेड में बेस्ट कंटिंजेंट को अवार्ड मिलते देखा होगा। ऐसा कई तरह के मूल्यांकन के बाद होता रहा है, लेकिन अब देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बेस्ट कंटिंजेंट का चुनाव एआई से किया जाएगा। इसके लिए कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे। ऐसा सैन्य इतिहास में पहली बार किया जा रहा है। लखनऊ में एआई मशीन परेड में शामिल टुकड़ियों की कदमताल, लय और हाव भाव को कई कोणों से देखेगी। इसके आधार पर निर्णय होगा। कैमरे और सेंसर्स को एआई बेस्ड कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। कैमरे को खास कोण पर लगाया जाएगा ताकि परेड का कोई हिस्सा उनकी जद में आने से छूटने न पाए। अब तक बेस्ट कंटिजेंट मैनुअल तौर पर आर्मी कमांडर तय करते रहे हैं। इस बार भी घोषणा वही करेंगे, लेकिन निर्णायक की भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी। छावनी स्थित 11 GRRC में ये परेड 15 जनवरी को होगी। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।